गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टाइपोग्राफी स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर 3 एंड दैट इज यस दैट इज एडिटिंग डेटा. यस, एडिटिंग डेटा. डेटा कैन बी एडिटेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज. किसी भी तरह से आप डेटा को एडिट कर सकते हैं एक्सेल शीट में. सेलेक्ट द सेल कंटेनिंग डेटा टू बी एडिटेड, प्रेस F2, यूज बैक स्पेस और बाय इरेजिंग द रॉन्ग एंट्री रीटाइप द करेक्ट एंट्री. इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं डेटा को. सेलेक्ट द सेल एंड सिंपली रीटाइप द करेक्ट एंट्री, मीन्स आप किसी भी तरह से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. Then है, if the contents of the cell is to be cleared, select the cell and press delete key. या to go to get back the previous entry, either click on undo button or standard toolbar से आप क्या कर सकते हैं, edit menu पे click करेंगे और undo command को use करेंगे और use keyboard shortcut control Z. मतलब ये कुछ methods हैं जिनके through आप editing कर सकते हैं डिफरेंट सेल्स में अपने वर्कशीट में. अब देखिए, मॉडिफाइंग अ वर्कशीट, वर्कशीट को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं आप, एडिंग वर्कशीट्स रोज एंड कॉलम्स. मीन्स आप न्यू वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं, रो ऐड कर सकते हैं या फिर कॉलम ऐड कर सकते हैं. तो वर्कशीट ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, ऐड अ वर्कशीट टू अ वर्कबुक बाय सेलेक्टिंग होम टैब, सेल्स ग्रुप, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब एंड इंसर्ट वर्कशीट. इस तरह से अगर वर्कशीट में आपको रो इंसर्ट करनी है तो क्या करेंगे, टू ऐड अ रो टू अ वर्कशीट सेलेक्ट द होम टैब, सेल्स ग्रुप, क्लिक इंसर्ट और इंसर्ट शीट रोज. इसी तरह से कॉलम्स भी हम ऐड कर सकते हैं वर्कशीट में. रिसाइजिंग रोज एंड कॉलम्स, कॉलम्स एंड रोज को रिसाइज किस तरह से करेंगे. The two methods of resizing rows and columns are, resize a row by dragging the line below the label of the row to be resized, or resize a column in a similar manner, dragging the line to the right of the label corresponding to the column to be resized. And row ko kis tarah se aur kaise kar sakte hain, or click the row or column label and select home tab, cells group, format row, row ki height और सेलेक्ट होम टैब, सेल्स ग्रुप और कॉलम की विड्थ. इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं. चलिए देखते हैं किस तरह से हम एक्सेल में रो और कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं. ये देखिए, ये मैंने डेटा डाल दिया है डिफरेंट कॉलम्स में, डिफरेंट सेल्स में मैं डेटा एंट्री कर रही हूँ. डमी डेटा है, कोई ऐसा डेटा नहीं है, तो ये मैं डमी डेटा की एंट्री कर रही हूँ. ठीक है, तो ये डमी डेटा हमारा एंटर हो रहा है. ये देखिए, अब सपोज मुझे इस कॉलम की विड्थ को चेंज करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे ये जो ये देखिए, ये है कॉलम लेबल. आप कॉलम लेबल को क्या कीजिए, यहां से ड्रैग कर दीजिए और जितना डेटा हमारा इस पर्टिकुलर सेल में था वो एक सेल में कंप्लीटली एडजस्ट हो जाएगा. ये देखिए, ये मैंने क्या किया, कॉलम की विड्थ को चेंज कर दिया. इसी तरह से और क्या कर सकते हैं, रो की अगर हाइट को चेंज करना है, कॉलम की विड्थ चेंज होती है और रो की हाइट को चेंज करने के लिए ये हमारे क्या है, ये रो लेबल्स हैं. ठीक है, रो लेबल्स को हम क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके हम रो की हाइट को चेंज कर सकते हैं. ये देखिए, है ना, ये देखिए, ये रो इसकी हाइट कुछ और है और इसकी हाइट कुछ और है, इसकी हाइट कुछ और है. तो हम अपने अकॉर्डिंग, अपने जो भी हमारी डेटा की सेटिंग है, डेटा जितना भी हमारी एक्सेल की एक पर्टिकुलर रो में है उसके अकॉर्डिंग हम रो की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है, और इसी तरह से हम और क्या कर सकते हैं, देखिए हमें और मेथड भी दिया हुआ है यहाँ पे. और क्या कर सकते हैं, हम होम टैब पे क्लिक करेंगे, सेल्स ग्रुप और वहां से फॉर्मेट, फॉर्मेट रो हाइट और रो लेबल. तो इतना भी हम कर सकते हैं. यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम सेल्स, ये देखिए सेल्स ग्रुप हमारा गिवन है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहां से सेल्स, सेल्स ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे. हमारा ये सेल्स ग्रुप, देखिए डिफरेंट ग्रुप्स हैं, क्लिपबोर्ड है, फोन है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल्स हैं, सेल्स हैं और एडिटिंग. तो सेल्स ग्रुप से हम क्या करने वाले हैं, रो की या कॉलम की हाइट को चेंज कर सकते हैं. सेल्स, फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट
सेल्स, ये देखिए रो हाइट यहां से यूज कर सकते हैं और कॉलम विड्थ को यहां से यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं रो हाइट और कॉलम विड्थ को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, कुछ ऑप्शंस हैं आप इनको यूज कर सकते हैं। तो बस आज जो प्रैक्टिकल टॉपिक्स हमने किए हैं, प्रैक्टिकल कुछ स्टेप्स किए हैं, बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, ये देखिए इनको प्रैक्टिकली थोड़ा सा, इनको जरूरत नहीं है प्रैक्टिकली करने की, ये देखिए थ्योरेटिकली समझ आ जाएंगे आपको। मूविंग एंड कॉपिंग सेल्स फ्रीजिंग पैन। मूविंग सेल्स मीन्स सेल कंटेंट्स को आपको मूव करना है, तो कैसे मूव करेंगे? होम टैब से क्लिपबोर्ड ग्रुप है, कट या सिंपल आप कंट्रोल एक्स कीजिए, ठीक है, और फिर जहां आपको मूव करना है सेल्स सेल कंटेंट्स को, वहीं आप उसको पेस्ट कर दीजिए। लाइक देखिए, ये देखिए मुझे क्या करना है, यहां से कंट्रोल एक्स करना है, परमानेंट मैंने इसको सेलेक्ट किया है, परमानेंट मूव करूंगी इस पर्टिकुलर प्लेस पे, और मैं यहाँ कंट्रोल वी प्रेस किए दे रही हूँ। तो अब ये जो हमारे कंटेंट्स थे यहां से यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। देखिए इसको फिर से करते हैं, कंट्रोल एक्स, मैंने ये इसको सेलेक्ट कीजिए पहले कंट्रोल एक्स, और मैं यहाँ इसको पेस्ट करने वाली हूँ कंट्रोल वी। ये मैंने परमानेंट क्या किया, डेटा को शिफ्ट कर दिया, तो ये परमानेंट मूव कर दिया डेटा को। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं कंटेंट्स को, तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल और अल्फाबेट कीज होती हैं सी, इनको एक साथ प्रेस कीजिए। ये देखिए ये सिलेक्शन आ जाएगी आपके सेल्स में, ठीक है, आपको सेलेक्ट नजर आ रहा है यहाँ पे, तो कंट्रोल सी आप प्रेस कीजिए, और उसके बाद इसको कहाँ पे, कहीं पे भी जहां आपको पेस्ट करना है, सपोज मुझे इसको यहाँ पेस्ट करना है, यहाँ सेलेक्ट कीजिए सेल को और कंट्रोल वी कर दीजिए। ये लीजिए हमारा अब डेटा जो है यहाँ पर भी है और वहां पर भी है, और यहां से इसको ये देखिए ये हाईलाइट हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, तो इसको इनएक्टिव करने के लिए आप एस्केप की प्रेस कर दीजिए। एस्केप की जैसे ही प्रेस करेंगे ये इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा कॉपिंग सेल्स हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप टू मूव द सेल कंटेंट्स ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड इज यूज्ड। ड्रैग द हाईलाइटेड बॉर्डर ऑफ द सेलेक्टेड सेल टू द डेस्टिनेशन सेल विद द माउस। हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। इस तरह से फ्रीज पैन है, फ्रीज पैन, चलिए ये टॉपिक हमारा प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, इसको अभी इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। ये जो 3 पॉइंट्स हमने प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग किए हैं, फर्स्ट हमारा एडिटिंग से रिलेटेड था, फिर हमारा है मॉडिफाइंग अ वर्कशीट, और उसके बाद है रीसाइजिंग रोज एंड कॉलम्स एंड मूविंग कॉपिंग सेल्स। फ्रीजिंग पैन को छोड़ दीजिए, बस यहीं तक आप प्रैक्टिकल स्टेप्स जो गिवन है उनको अच्छे से लर्न कीजिए। मैंने आपको वर्कशीट में भी ये स्टेप्स जो है परफॉर्म करके दिखाए हैं, किस तरह से आप इनको कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं कॉलम को, रो को, और इसी तरह से वर्कशीट में रोज और कॉलम को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए ये वर्कशीट है हमें गिवन है, और यहाँ से देखिए इंसर्ट की ऑप्शन दी हुई है, तो इंसर्ट में हमें सेल इंसर्ट करना है कहीं डेटा में, इन बिटवीन इंसर्ट शीट रो इंसर्ट करनी है, या इंसर्ट शीट कॉलम इंसर्ट करना है, या फिर इंसर्ट शीट। तो ये हमारी ऑप्शंस हैं जहां से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस को यूज करके सेल, रो, कॉलम या वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं, ये प्रैक्टिकल भी मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ कि कहाँ से ये ऑप्शन आप यूज करेंगे। ये सेल ग्रुप होता है, ठीक है, होम टैब को सेलेक्ट करेंगे और ये सेल ग्रुप आपको नजर आएगा ऑफिस 2007 में, तो यहाँ से आप इनको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से सेलेक्टेड कॉलम को आप रो को, कॉलम को, शीट को आप डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट की ऑप्शंस भी आपको दी हुई है, सेल को डिलीट कर सकते हैं, रो को डिलीट कर सकते हैं, या कॉलम को या शीट को भी डिलीट कर सकते हैं। तो बस आज का टॉपिक इतना ही है, कवर करते हैं आज का टॉपिक, चलिए ओके बाय।